अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखाज किचन डॉट कॉम से। रमजान शुरू ही होने वाले हैं और आप सब, जैसे आप भी करते होंगे, मैं भी उसी तरीके से रमजान की तैयारियां शुरू कर देती हूँ कुछ दिन पहले से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग बनाते चलूँ, दिखाते चलूँ कि मैं क्या प्रिपरेशंस करती हूँ। और हाँ, अगर आप कुछ डिफरेंट टाइप की करते हो तो आप भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, तो मुझे भी याद आएगा कि मुझे भी वो करना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली शुरुआत तो मैंने अदरक काटने से अभी आज की है, क्योंकि लहसुन ऑलरेडी मैंने काट लिया है खूब सारा, तो अब अदरक काटने की बारी है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको भी पता है सबसे ज्यादा हमें रमजान के महीने में चाहिए होता है। और मैं ना इस बार सोच रही हूँ खूब सारा बिरिस्ता बना के रखूँ, तो यहाँ मैंने अरफात से कहा है कि मुझे सिर्फ छील निकाल कर प्याज की दे दें, तो मैं फटाफट उसे ये कर दूंगी, काट दूंगी जो ग्रेटर आता ना उससे। तो यहाँ अरफात तो छील रहे हैं, जान भी छीलने बैठ गया है यहाँ। और यहाँ मैं अदरक को बारीक बारीक छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। उसके साथ साथ अजान की कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। जो प्याज है उससे मेरी आंखों में भाप आ रहा था। अरे भाप क्या होता है? जो छीलते हैं तब मेरी आंखों में जो आता है तो मुझे आके पानी लगाना होता है। हाँ, धाक आ रही थी। धाक आ रही थी इस प्याज काटते काटते मुझे। तो ये बहुत सारी प्याज है, मेरे हाथ में भी फिट नहीं आती है। जब मुझे एकदम फटाफट काम करना होता है ना, तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज याद आती है, आलू के पराठे दोपहर के लिए। सो मैं फटाफट आटा गूंद के यहाँ साइड पर रख रही हूँ और बाकी की तैयारी फिर से आज चालू कर देती हूँ। आलू जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं। 10-12 मिनट आटे को मैं साइड पर रख रही हूँ, तब तक काली मिरी पीस लेती हूँ, जो जब तक जो हाथ में काम मिल रहा है वो फटाफट करते जा रही हूँ। इसे मैं बिना भुने हुए पीस रही हूँ, आप चाहें तो भून कर भी पीस सकते हैं। और मैं यहाँ कांच की शीशी में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ, और बची हुई जो है ना उसे नमक काली मिरी का मेरा जो छोटा सा डब्बा है उसमें बची हुई को डाल देती हूँ, कोई भी चीज हमारी वेस्ट ना हो। अब वो चला है खाने का टाइम और खाना भी जरूरी है, तो यहाँ आलूओं को मैंने मसाला लगाया है और मसाले के साथ उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वैसे ये रेसिपी आपको चाहिए आलू के पराठे की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, और हरी चटनी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रही हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बड़े मजेदार लगते हैं आलू के पराठे और झटपट भी बन जाते हैं। और ये हो गए रेडी मेरे मजेदार से बढ़िया से असली घी में बने हुए आलू के पराठे, और ये रहे मेरी दही अचार और आलू के पराठे, है ना मजेदार। ये देखिए मैं बिस्मिल्ला कर रही हूँ, चलिए आइए मेरे साथ बिस्मिल्ला कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मजेदार बने हैं। मैं खुद ही तारीफ कर रही हूँ। लेकिन बहुत ही सही में टेस्टी बने, अरफात और अजान को भी बहुत पसंद आए। और अब मैं चलती हूँ खाने के बाद मेरे काम की ओर। रमजान के महीने में जो भी ग्रेवीज बनेगी ना, तो मैंने क्या सोचा है कि ये बिरिस्ता बना के रख देती हूँ घर पर ही, बहुत छोटी क्वांटिटी में बनती है, क्योंकि सिर्फ अरफात और अजान खाने वाले, मैं तो खाती नहीं हूँ ग्रेवी। तो मैं फटाफट, मेरा समय बचेगा और समय बचेगा तो मैं ज्यादा ध्यान इबादत पे दे पाऊंगी। इसके लिए मैं क्विकली जल्दी जल्दी प्याज का बिरिस्ता बना लेती हूँ। अच्छा, प्याज को मैं है ना इस तरीके से मशीन से ही हमेशा करती हूँ, तो एक सलंग सेम शेप के होते हैं, नहीं तो हाथ से कभी हमारे हाथ से कभी पतले हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, उस हिसाब से ये सारे ये देख सकते हैं। 1 किलो प्याज के बढ़िया सा बिरिस्ता बना दूंगी, तो पूरी रमजान निकल जाएगी इसके अंदर ग्रेवीज के लिए। प्याज तो मैंने कर ली, लेकिन मैंने सोचा अब दरमियान में फ्रिज भी साफ कर लूँ, क्योंकि मेरी जो एक हेल्पर है ना उससे मैंने कहा कि भाई आगे जरा सिर्फ फ्रिज साफ करने में मेरी मदद कर दे, जो जो मैं देती जा रही हूँ वो तुम रखती जाओ, और जो देती हूँ वो फटाफट धो के मुझे देते जाओ, बाकी सब मैं कर लूंगी। तो उसने बोली कि ठीक है मैं आती हूँ, और वो आई और सिर्फ फ्रिज साफ करने के लिए वो आई थी, और मैंने थोड़ा मुझे उसने मदद कर दी, और यहाँ पर मैंने फटाफट फ्रिज साफ किया, और फ्रिज साफ करने में पूरा तकरीबन 1 घंटा चला गया, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए 1 घंटे के बाद पूरा अंदर बाहर से बराबर से साफ करने के बाद यहाँ मैं लास्ट एक कपड़ा मार रही हूँ सूखा वाला फिर से, सो दैट जो भी गीलापन हल्का भी रहे तो सारा ड्राई आउट हो जाए,
और फिर एक एक करके सारी चीजें मैं डाल रही हूँ। सारा समय तो मेरा ये फ्रिज साफ करने में ही चला गया, क्योंकि दोपहर शाम से पूरी लेट इवनिंग हो गई, मतलब मैं तकरीबन समझिए ना 5:30 बजे से लगी थी, तो 6:30-7:45 बजे तक मैं यही कर रही थी क्योंकि सारी चीज रखनी थी। अब आप ये देख सकते हैं क्या बेहतरीन लग रहा है मेरा फ्रिज माशाल्लाह। कि कभी कभी ऐसा रहता है कि आप भी करेंगे बाद में करेंगे, करते करते समय निकल जाता है लेकिन फ्रिज पूरी तरीके से साफ करने का कभी कभी मौका नहीं मिलता। और मैंने सोचा था कि अभी थोड़े दिन के बाद ही करूंगी, रमजान आएगा तब एक साथ तभी कर लूंगी, तो मेरा फ्रिज एकदम चकाचक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन को पीस रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, तो क्विकली यहाँ मैं पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, जिन जिनको अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी चाहिए उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। काफी समय तक आप अदरक लहसुन पीस के कैसे रख सकते हैं, सारे टिप्स हैं उसके अंदर और किस तरीके से पीसना है वो भी है, तो आप लिंक चेक कर लीजिएगा। चलिए, अदरक लहसुन भी सारा पीस लिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, सारे को वो जो कांच की बर्नियाँ आती हैं उसमें भरकर रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ भरकर, सो दैट तकरीबन 1 महीने तक आराम से चल जाएगा ये इतनी क्वांटिटी। तो मुझे मैंने सोचा लगे हाथ एक पैकेट रखा हुआ था मेरे पास इसका जीरे का, तो उसे फटाफट मैं भून रही हूँ, भूनने के बाद इसे अच्छे से पीस लूंगी। वैसे ये देखिए है तो सही मेरे पास, मैं तो हमेशा रखती ही हूँ क्योंकि हर ग्रेवी में मेरी, हर सब्जी में और हर आप ये कह लीजिए फ्रैंकी में हो और क्या कहते हैं इसे समोसे में, सब में मैं डालती हूँ, तो मुझे हमेशा 365 डेज रखना ही पड़ता है। तो मैं सोची लगे हाथ ये भी फटाफट पीस लूँ, समय है तो ये भी पीस के मैं फटाफट एक बर्नी में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए ये पीस लिया मैंने, ऐसे भी बर्नी में रख देती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। अब लास्टली यहाँ प्याज का बिरिस्ता जो मैंने प्याज काट कर रखी थी उसका बना लेती हूँ। बहुत ही संभाल कर थोड़ा दूर खड़े रहिएगा अगर आप भी बना रहे हैं तो, क्योंकि जब आप डालते हैं तो जो प्याज है प्याज के डालने से तेल थोड़ा ऊपर आने लगता है। अच्छा, वैसे आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं, बट इसमें मेरा क्या ये रहता है लॉजिक के घर में हमें पता है हम प्याज कैसे धो के साफ करके और तेल भी किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा वाला, ये सारे हमारे कंट्रोल में रहता है, बाहर का ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर बाहर खैर आप बाहर की चीजें भी बुरी नहीं होती है, बट मुझे घर की ही प्रेफर करती हूँ मैं मोस्टली। सो इसके लिए मैं सारा बिरिस्ता इसी तरीके से घर में बना रही हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया से मजेदार से बन चुके हैं, क्रिस्पी से। अच्छा, इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, पूरी डिटेल रेसिपी है इसकी। अच्छा, मैंने पूरा बना लिया है, अब मैं क्या कर रही हूँ हल्के से ठंडे हो गए, देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी है, हल्के ठंडे हो गए हैं, तो मैं अब इसे जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें भर देती हूँ बढ़िया से फटाफट और इसे भी साइड पर रख देती हूँ। तो इसी तरीके से आज का मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। चलिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी लाल वाली। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाल मिर्चियों को भिगा के रखा और थोड़ी सी इमली भिगाने रखी है, बहुत ही मजेदार चटनी बनती है लाल मिर्ची की। और हाँ, ऐसी आपको दिखेगी लाल लेकिन स्पाइसी नहीं होगी क्योंकि इसमें चटपटी वाली पन ज्यादा है और स्पाइस कम रहता है, और स्पाइस अगर आपको लगे भी तो आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें जो सारी चीजें डलती है उससे आप स्पाइस एडजस्ट कर लेना। अगर आपको ये रेसिपी लिंक भी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट ये तकरीबन ये मैं बैच जो बना रही हूँ, एक बड़ा सा बैच बना रही हूँ, 25-30 दिन आराम से पूरी रमजान चल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं क्या सर्व करती हूँ मालूम, मैं पकोड़े और ये जो तलन के लिए हरी चटनियाँ, तो हरी चटनी तो मैं जिस दिन रमजान स्टार्ट होगी उसी दिन बना लूंगी, तो इससे और हरी चटनी के साथ मिला मिला कर लगा लगा कर मजे से हम इफ्तार में खाएंगे। और अजान तो टमाटर सॉस खाता है तो वो ये दोनों चटनियाँ नहीं खाएगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये लाल चटनी बना के रख रही हूँ, हरी चटनी मैं समय पर रमजान के टाइम पे बना लिया करूंगी, 2-2, 3-3 दिन एक वो चटनी बैच मेरा चल जाता है लाल हरी वाला सॉरी, और ये लाल वाला तो तकरीबन 1 महीना चल जाएगा। तो चलिए, ये भी बन चुकी है बढ़िया सी मजेदार सी,
और आप देख सकते हैं बस इतनी चीजें ही बना पाई हूँ मैं। और इसके साथ साथ हाँ, मैंने फ्रिज भी साफ किया है। तो यहाँ पर मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं कल दूसरा व्लॉग भी डालूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी आइटम्स डीप फ्रीज करके रख रही हूँ अभी से ही रमजान के लिए। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।